मैं अंशु मलिक आप सबसे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे नाम से एक फेक वीडियो वायरल किया जा रहा था। मैं आप सबको बता दूं, मैं उस वीडियो में नहीं हूँ। मेरे को सरासर बदनाम करने की कोशिश की गई है, एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। और मेरे बाप माँ बाप ने मेरे को इस तरीके से पाला है, उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी अपनी बेटी के सपने पूरे करने के लिए। और लोग उनकी बेटी को, जिनको मेरे माँ बाप ने मेरे पे पूरा विश्वास था और आज भी मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे करीबी लोग थे ना वो मेरे साथ आज भी खड़े हैं। उनको पता था कि अंशु को बदनामी करने की साजिश की जा रही है, फिर भी लोग इतने गंदे इतने बद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, इतने गंदे मैसेजेस कर रहे हैं बिना सच्चाई को जाने। सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक अश्लील वीडियो वायरल है। इस वीडियो में जो लड़की है वो हूबहू अंशु मलिक जैसी दिख रही है, और जिसने ये वीडियो वायरल किया उसने ये दावा भी किया कि वीडियो में दिख रही लड़की इंटरनेशनल रेसलर अंशु मलिक है। पर क्या ये लड़की अंशु मलिक है? इसका सही जवाब है नहीं। दरअसल जिसने ये वीडियो वायरल किया वो शख्स पकड़ा जा चुका है, अमित जो कि बवाला का रहने वाला है। उसने इस वीडियो के साथ छेड़खानी करके किसी और लड़की को अंशु मलिक बना दिया। मामला ये है कि जो भी एक दो दिन से एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के नाम से एक वीडियो डाली गई थी, जो वर्गल वीडियो थी, जिसमें हमने इन्वेस्टिगेशन की, FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की और उसमें एक आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया है। और उस इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि वो वीडियो जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनकी नहीं है, वो टेम्परिंग करके उसमें डाली गई है, किसी ने उनको बदनाम करने के लिए डाली थी। और जिसने ये कार्य किया था उसको हमने अरेस्ट कर लिया। ये अमित है लड़का, बरवाला का रहने वाला है। हाँ जी, सर बरवाला का रहने वाला है। उसने ये वीडियो डाली थी जिसको हमने अरेस्ट कर लिया। किस मंशा से डाली थी, उसको क्यों बदनाम करना चाहता था, वो हम उससे पूछताछ के बाद। इसी को लेकर अंशु मलिक ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने अश्लील वीडियो का खंडन किया। अंशु मलिक ने कहा, मेरा इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद मुझ पर गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं। मैं किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई हूँ, मैं और मेरा परिवार मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। वहीं साक्षी मलिक ने भी वीडियो जारी कर ब्रिजभूषण पर निशाना साधा है और कहा है कि हरियाणा की लड़कियों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। सभी देशवासियों को नमस्कार। हमने जो आंदोलन शुरू किया था वो बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया था, और जब से ये आंदोलन शुरू किया है, जब से आरोपी ब्रिजभूषण के पक्ष के लोग लगातार किसान बिरादरी और हरियाणा की बेटियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मेरे बारे में भी एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि मैंने आरोपी के साथ समझौता कर लिया है, जो कि सरासर झूठ है। और उसी आरोपी पक्ष की IT सेल 3-4 दिनों से एक अश्लील वीडियो वायरल कर रही है, ये बताते हुए कि वह वीडियो अंशु मलिक की है, जो कि गलत है। उस वीडियो का अंशु मलिक से कोई लेना देना नहीं है। उस वीडियो में जो लड़की है वो हिमाचल की रहने वाली है। हमने जो लड़ाई शुरू की थी वो न्याय के लिए शुरू की थी, और आरोपी के पक्ष के लोग चाहे जितना भी बदनाम करने की कोशिश कर लें, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।